हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे मिनी व्लॉग में। तो आज चलते हैं अपनी सासू माँ के साथ। तो जाते ही हमने छाटी मौसमी। आप में से बताना किस किस को छाटनी आती है मौसमी। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस दूँ जो मेरी सासू माँ ने बताया है कि जो पतले छिलके वाली होती है ना, वो सबसे अच्छी मौसमी होती है। तो आप भी ट्राई करना। तो चलो जी, इसी बात पे हमारा ऑटो आ गया है, तो हम बैठे ऑटो में और चल पड़े अपने रास्ते में जहाँ हम आज जा रहे हैं। तो लो जी, बातों बातों में घर भी आ गया, तो चलो फिर चलते हैं घर की तरफ। ये उनका घर है, हम चले अंदर। और अंदर जाते ही हमें मिले प्यारे प्यारे से बच्चे जिन्होंने हमारे पांव छुए, बहुत अच्छा लगा। तो अब अंदर जाते ही मिले हमें हमारे जेठ जी, जिनके घर हम आए हुए हैं। एक्चुअली इन बच्चों की तबीयत थोड़ा खराब थी, तो हम इनसे मिलने आए हुए थे। तो अब जाके ये फाइनली ठीक है। और यहाँ इन छोटे बच्चों ने करी मेरी सासू माँ के साथ खूब मस्ती, ये देख ही सकते हो आप। उसके बाद आ गई हमारी जेठानी जी, तो उनसे भी मिलते हैं। तो जेठानी आई है तो खाली हाथ थोड़ी ना आएंगे, हमारी चाय तो लेकर आएंगी। तो ये देखिए, हम पीते हैं चाय। चाय के साथ हमारी हमने खूब सारी गपशप। तो अब बारी आती है हमारे घर जाने की, तो चल पड़े हैं अपना थैला लेकर। ये हमारी सासू माँ, जय सासू माता की। तो चलो अब चलते हैं, और हम कहीं जाएं और मार्केट ना जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो चलो मार्केट भी ले चलते हैं आप लोगों को। तो ये है हमारी मार्केट, जहाँ पे हमने खूब सारी चीज़ें ढूंढी ढांडी देखी, लेकिन लिया कुछ कुछ। तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी अभी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद हम चले अपने राशन की दुकान में, जो कि हमें लेना ही था। तो वहाँ पे हमने जल्दी से भैया को अपने राशन का सामान लिखवाया और निकल पड़े घर की तरफ। बाय।